बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिंडे, बहुत ही मज़े के। तो उसके लिए मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको रफली कट कर लिया था। दो मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और एक कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसको हमने रख दिया है गलाने के लिए। तो अगला प्रोसेस इसके गलने के बाद हम शुरू करेंगे। प्याज टमाटर हमारे गल चुके हैं, अभी हम इनका पानी ड्राई करेंगे। इस छिलके रिमूव कर लेंगे हम टमाटर के। घी हम ऐड करेंगे इसमें। तीन चम्मच मैंने भर के ऐड किए हैं, आप अपने हिसाब से आयल या घी डाल सकते हैं। हम इसका पानी ड्राई करेंगे और फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। प्याज का पानी ड्राई हो चुका है और हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और साथ में ही हम टमाटर और प्याज हैं उनको मैश करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको प्याज और टमाटर को ब्लेंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसे डालेंगे, बहुत अच्छा तैयार होगा। इसमें तो हमने चिकन को अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो इसमें ऐड करूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्राई करते जाएंगे हम और साथ साथ इसके मसाले ऐड करते जाएंगे। अभी मैं दो अदद सबत मिर्च इसमें ऐड करूंगी। तो जब तक हम इसकी भुनाई करते हैं, जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। वन टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से इसमें ऐड करें। वन टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। टू टेबलस्पून इसमें जाएगा ड्राई धनिया और वन टीस्पून हम इसमें भर के ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। मसाला भूनते वक्त आपने कोई कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से आपने मसाला भूनना है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा मसाला भूनते हैं उतना ज़्यादा हमारा जो हांडी का टेस्ट होता है बढ़ता है। अभी हम इसमें टिंडे ऐड करेंगे। टिंडे आप देख सकते हैं कि मैंने एक टिंडे के चार चार पीसेस किए हैं। अब हम इसको फिर भुनाई करेंगे टिंडे के साथ ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से टिंडे में भी लग जाए। दो से तीन मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूंगी। अच्छे से मैंने दो से तीन मिनट इसकी भुनाई कर ली है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अभी मैं इसमें एक गिलास पानी का ऐड करूंगी, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कम या ज़्यादा, जितना आपको शोरबा चाहिए आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको दम दे दूंगी ताकि हमारे जो टिंडे हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो हमारा टिंडे जो टिंडे गोश्त है वो आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो चुका है और टिंडे जो है हमारे गल चुके हैं। अभी इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करूंगी मेथी।
और ड्राई धनिया। आपके पास फ्रेश धनिया है तो आप फ्रेश भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ड्राई था तो मैं ड्राई ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्च ऐड करेंगे, ऊपर से जो सब्ज़ मिर्च डालते हैं वो बहुत अच्छा जायका देती है। तो आप ग्रेवी देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रेवी इसकी तैयार हुई है। इसमें कोई प्याज के टुकड़े नहीं हैं, पीसीज नहीं हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।